तो दोस्तों, आज मैं गूगल पे से अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर रहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से रिफ्रेश लेने के बाद यहाँ पर कुड नॉट रजिस्टर, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन का प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रहा है। बैंक जो है वो ऐड नहीं हो पा रहा है और इस तरीके का एरर आ रहा है, कुड नॉट रजिस्टर, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर रीट्राई का भी ऑप्शन होता है, रीट्राई पर क्लिक करने के बाद भी बैंक फाइंड नहीं कर पा रहा, बैंक ज्वाइंट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके साथ गूगल पे में ये दिक्कत आ रही है तो आपको कैसे फिक्स करना है, कैसे सही करना है, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे ताकि आपका जो बैंक सर्वर का इशू है वो फिक्स हो सके और आपका बैंक जो है वो ऐड हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चलना है अपने सिस्टम की सेटिंग में, सिस्टम वाले सेटिंग यानी मोबाइल की सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च मिलेगा, तो आपको सर्च में लिख देना है जी पे, जैसा कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं जी पे लिखता हूँ लेकिन कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अभी यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है ताकि आपको जी पे तक पहुँच सके, आपको सर्च करना है ऐप्स। जैसे आप ऐप सर्च करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा ऐप लिस्ट या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है और उसके बाद लोडिंग यहाँ पर लेने स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके सामने फिर से सर्च का बॉक्स आएगा और काफ़ी सारे एप्लीकेशन आएंगे। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है जी पे यानी कि गूगल पे। तो आपको गूगल पे जैसे सर्च करेंगे गूगल पे आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज यूज़ का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टोरेज यूज़ पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा कर देना, क्लियर डाटा करने से क्या होगा, जो बैंक का सर्वर है वो ठीक हो जाएगा। फिर आप दोबारा जाकर रजिस्टर करिए और आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक हो जाएगा।